टेस्ट आउट कराने में कामयाब सईद आलम। वन आउट सर्विस अंडर में सर्विस सिरर आसान सचिन मिलता हुआ अशरफपुर को। दोनों टीम बिल्कुल यंग खिलाड़ियों से आरास्ता और पैरास्ता नौजवानों से सजी दोनों टीम। डिफेंडिंग गुड शार भाई मोहम्मद सादिक शार बार पर बड़ी रफ्तारी के साथ हमला किया कामयाबी कदमों में गामजन सर्विस चेंज की शक्ल में गाजर के माने होता है धोखा दे। शार भाई शहजाद जमाली अपनी आवाज में गुनगुनाता हुआ कि मुझे रोकना है तो समंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते थे। टू अगेंस्ट वन डिफेंडेड बाई कुछ अच्छा शार दिया जैसे को तैसा मिला मोहतोड़ जवाब। एक दो के स्कोर पर सर्विस से अशरफ लंबा हिटिंग बट अवे और इसी के साथ दोनों टीमों का स्कोर बराबर टू आउट दो बराबर। बड़ी खामोशी के साथ हमारे ऑडियंस ये क्या सराहना कर रहे हैं क्या तीसरा सेट भी होगा ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है। अच्छा हैंड या लंग की लैंड रॉस कप का मालिक रॉस कप की लंबाई को भरायदा लिया और सर्विस को मैदान किया दो बराबर की स्कोर पर सर्विस का शोर लंबा माहौल। गॉट मेन राइट साइड लवली हैंड एंड खूबसूरत डिफेंस कुछ टू निशान बाल बीबी हवा में फहीम टू शहजाद तरंग लाई शोएब नब्बा माहौर के खिलाड़ियों की पॉइंट की शक्ल में नाउ स्कोर थ्री अगेंस्ट टू। भाई गांव के जितने बच्चे या नौजवान कुर्सियों पर बैठे ब्राय मेहरबानी कुर्सियां खाली कर दे अपने आए हुए मेहमानों को बैठने की जगह दे। मुकुल सर्विसेज से आने में कामयाब जिस खेल के लिए जाने जाते हैं मिस्टर मुकुल उस लय में नजर नहीं आ रहा है। अच्छी सर्विस डिफेंडेड बाल टच आउट होती हुई कोर्ट से बाहर फायदा शोएब क्लब बमहूर के फेवर में। बमहूर का दस्ता बड़ी मजबूती के साथ नजर आ रहा है भालापुर की सदोधान में। जीशान सर्विस चेंज कराने में कामयाब बैक को और भालापुर की सरजमीन से डॉक्टर कामरान साहब भी काफी मेहनत मशक्कत किया इस ग्राउंड को सजाने संवारने में अहम रोल अदा किया है इस्तकबाल है आपका। सैंपल सर्विस सही टारगेट पर हिट पर शहजाद जमाली लवली शार भाई शहजाद जमाली थर्ड लाइन का बहुत ही प्यारा इसने करके सर्विस को मैदान किया। तीन दो पर यह दूसरा सेट चलता हुआ और दूसरे के लिए संघर्ष लाई जाएगी पॉइंट के लिए। डिफेंडेड बाई सोनू जीशान हिट पर सर्विस चेंज कराने में कामयाब दो टीम की स्कोर पर लगातार सर्विस चेंज होती हुई। बेहतरीन सर्वर अपने टीम का साहिल सिंगल ब्लास्ट जीशान अहमद और इसी के साथ दोनों टीमों का स्कोर बराबर थ्री आउट तीन बराबर। इस मैच के फौरन बाद साध टूर एंड ट्रेवल्स बैरेडी वर्सेस ककरहटा
बिल्कुल तैयार किया अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन देशान ने नाकाम किया देखो। और ये मुकुल ज्वाइंट बड़ी खूबसूरती से बाल को दबाया मोहसिन और मोहम्मद सादिक। दर्शक जो हमारे ऑडियंस हैं, इंसान तो इंसान परवाने भी टूर्नामेंट का मजा लेते हुए डिफेंड। गुड शॉट भाई मोहम्मद शहजाद क्रियाल, ये दूसरा से चलता हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने खूबसूरत मकान की तरफ बढ़ता हुआ अपनी कामयाबी कामरानियों के साथ गामजन ये टूर्नामेंट हाजी मुश्ताक के नाम से इस टूर्नामेंट को मंसूर किया गया, उस मरहूम के नाम से टूर्नामेंट को सजाया संवारा गया। इसमें बहुत सारे लोगों का अहम किरदार है टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। अच्छा लेकिन स्टेडियम बिल्कुल खामोश शांत वातावरण एक संजीदा माहौल महसूस हो कि आप लोग खेल से जुड़े हुए। गुड शॉट लेकिन उतना ही प्यारा डिफेंस साहिल का मोहम्मद सादिक बाल अभी भी हवा में। यार तालियां बजा दे, इससे ज्यादा खूबसूरत डिफेंस आपको क्या देखने को मिलेगा। बस तालियां बजा दे, क्या लाजवाब मुकाबला। काफी देर इससे बाल फिजा में तैरती हुई घमासान रैली के बीच सही लकड़ी शारदाई सही दारा कि हम शहर नहीं वरना कसम लिख देते तेरे चांद से चेहरे को कमल लिख देते और कसम अल्लाह की आगरा मेरा नहीं वरना तेरे नाम ताजमहल लिख देते। खूबसूरत बताया अपनी चढ़ती हुई जवानी की ताकत रख दिया सही दारा ने बिल्कुल और ऐसी कामयाब। ऐसा लग रहा है कि टीम की स्कोर पर किसी ने टिल ठोक दिया, स्कोर जमा हुआ है। सर्विस चेंज का सिलसिला बदस्तूर जारी। सोनू सर्विस डिफेंड बाल उछाले गई मोहसिन के लिए। कलाइयों का बहुत ही प्यारा इस्तेमाल किया मोहसिन और सर्विस दोबारा अपने नाम कर लिया। टीम आइडिया आसमगढ़ इस टूर्नामेंट को कवरेज करते हुए सोनू सिंह सर्विस भाई शाहिद भाई नसीर को देकर हमारे इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाए। मुकुल कामयाब हाथ रहा मुकुल का, ब्लॉकरों को धोखे में रखा बाल ब्लॉक टच आउट होती हुई टाई लाइन से बाहर। फायदा अशक्त के फेवर में आर्या जीत किसी की हो आर्या जीत पार साफ गेम लेकिन मुकाबला बहुत ही दिलचस्प बिल्कुल कांटे की टक्कर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा हाथ दिया खुशी सर्विस कराने में कामयाब। कई बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि गांव के जितने बच्चे या नौजवान कुर्सियों पर बैठे हैं बड़ी मेहरबानी कुर्सियां छोड़ें और अपने आए हुए मेहमानों को बैठाने की जहमत करें। लंबा हेडे लंबा शटर है पहला सिर गंवाने क्या इशारा आ रहा है रेफरी हनुमान का। तो ये टच आउट का इशारा थोड़ा सा इशारा करने में थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई है। और बता दूं कि हमारे बीच आदरणीय श्री ओम प्रकाश एसआई बिलरियागंज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। तो हर इस मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच हमारे रहनुमा
जो हम लोग की निगरानी करने वाले श्री ओम प्रकाश के साहिब रेनियागंज मौजूद और उन्हीं के साथ साहिब भाई नसीरपुर, मैं उनका भी वेलकम और मैं कर रहा हूँ। खेल बहुत बड़ा चल रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अंपायर, अंपायर डिसीजन नॉट डिसीजन, अंपायर का फैसला करते हुए आखिरी होगा, इस फैसले को सर झुका के माने। 5-3 का स्कोर है। शाहिद भाई जो अभी फॉरन कंट्री से आए हैं और मिस्टर संदीप भी उनके साथ यहाँ पे है, और फिर इस बार वहां पे गलती कर रहे हैं मुकुल लवली। इसमें आज तो आरिफ शहजाद जमाली भरपूर इसमें कर रहे हैं, पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम गांव के हैं, आप शहरों के हैं, आप हॉस्टल के हैं, लेकिन हम आवासीय आजमगढ़ के गांव जमालपुर से हैं। जी बिल्कुल, ऋषा ऋषा, और शायद ये कह दिया था शहजाद जमाली ने, तुम्हारे शहर का मंजर हसीन है लेकिन हमारा गांव बेहुसन जमाल रखता है। ये बहुत खूबसूरत गेम चल रहा है। एक तरफ आजमगढ़ के नौजवान बच्चे हैं और उसके मध्य मुकाबले गोरखपुर की एक बेहतरीन टीम खेल रही अपने गेम को शो कर रहे और मौसम लंबाई का पूरा फायदा उठाया और यहाँ पे 3-5 है। दोस्तों कहा जाता है कि 3-5 मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे 3-5 हो रहा है, 3-5 का स्कोर है पहले। इसके बाद जो मुकाबला होगा दोस्तों वो एक और हाई वोल्टेज मुकाबला, 7 टूर एंड ट्रेवल गैरिडी क्या तो मुकाबला होगा। इसके बाद दिल थाम के बैठे अब पारी है होगी जबरदस्त, मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला होने वाला है। 100 लोग की सर्विस, अच्छे सर्विस पे सही पास किया गया वहां पे, और ये शहजाद जमाली आज लय में है। शहजाद जमाली यहाँ पे आपने जवाब कभी मैं मौज से वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि आप वक्त दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो गलत 18 साल से लगातार इस कमेंट्री की दुनिया में अपनी आवाज बिखेर रहे हैं और एक नया नवेला कमेंटेटर साकिब बिंदवल भी है। और हल्का संघर्ष किया लेकिन वहां पे क्या खूबसूरत संघर्ष जारी है, और ये शहजाद, लेकिन आज शहजाद बिल्कुल बेहतरीन गेम शो कर रहा है। सही कब तो छोटा है लेकिन परवरदिगार ने हाथों में रियाज बख्शा है, रियाज बख्शा है इसी नन्हे मुन्ने बचाल का स्कोर 5 बराबर का स्कोर। एक मतलब फिर आए मुकुल, बेहतरीन प्रहार किया लेकिन बाल संभाल नहीं पाए सही, और 5 बराबर का स्कोर है, 5 बराबर का स्कोर। कहा गया कि मगस को बाप में जाए नदी जो नाहा खून परवाने का होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये परवाने इस पे घूम रहे हैं, लेकिन जरा सा नेट टूल जी ये सर्विस और सर्विस पॉइंट, और मैं देख रहा हूँ कि एक आरिफ उनके भाई अर्थमंत्री भुट्टो BIC बिना पारा इंटर का लेक्चरर भी हमारे बीच मौजूद है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे SO साहब और ऑफिसर ईसाई हैं जो वो भी आ चुके हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मुकाबला चल रहा है कि यहाँ पे हर कोई भी, चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारे हम लोग की देखभाल करने वाले हो या समाज सेवी, सब मौजूद यहाँ पे हैं। फिर सही डाला कहा मार रहा है, ये सब कला है सेटर की जो ओपन नेट करवा रहा है, जो नेट को बिल्कुल ओपन करवा दे रहा है, और क्या खूबसूरत प्रहार कर रहा है। सोनू को खुला चैलेंज किया, सोनू सिंह को खुला चैलेंज मिला है। अब दोस्त ही लाओ कोई मत के मुकाबले, दुश्मन को कोई कद के बराबर नहीं निकला, एक बेहतरीन बेहतरीन अंदाज में यह मुकाबला मुकुल, लेकिन संभाला गया किसी तरह से, फिर पूरी कोशिश कर रहे हैं सईद, व्हाट अ फैंटास्टिक डिफेंस बाय सईद, और फिर हल्का सा जवाब किया, लेकिन यहाँ पे कामयाबी की दमचूमली है जीशान की, जीशान की कामयाबी की दमचूमली। तो नोमान एंड कंपनी भवापुर की बेहद रंग ला रही है, हर किसी को खींच के ला रहे इस मुकाबले में। ये मुकाबला बहुत ही प्यारा दोस्त, बहुत दिनों तक याद किया जाने वाला मुकाबला है। सोनू की अच्छी सर्विस और बेहतरीन प्रहार किया सादिक, तो ये सोनू अपने खेल के दम पे NRL में गोरखपुर में सर्विस कर रहे हैं, और आज यहाँ पे कुछ तरह सा गेम टीका जरूर है, लेकिन अपने आप से बात कर रहे होंगे कि हौसला रखो, हिम्मत रखो, कदम बढ़ाओ, तभी जीत मिलने वाली है। 5 बराबर के स्कोर, 5 बराबर के स्कोर पे अच्छी सर्विस, इस बार अच्छा पास जरूर मिला है, काउंटर को अपनाया गया, और इस बार फिर मुकुल कामयाब है 18 नंबर में, 18 नंबर मुकुल कामयाब, एक जबरदस्त मुकाबला। मुर्शिद भाई जो लाइव टूर्नामेंट को दिखा रहे हैं, इस टूर्नामेंट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास वक्त था वो तो निकाल के आए हैं, जिनके पास वक्त नहीं था वो भी वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं, उन लोगों का शुक्रिया शुक्रिया। अभी हमारे बीच विधायक नफीस अहमद साहब भी आने वाले हैं, और फिर वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ हल्का संक्रांत किया सादिक, लेकिन कामयाबी के रमचू ने इनकार किया है, हल्का संक्रांत संभाला गया, और फिर ये शहजाद जमाल ने डेढ़ गवा दिया गया है एक नंबर के द्वारा,
तो अब 6 और 5 का स्कोर और तरह से जीता है और दूसरे सेट में 1 पॉइंट से पिछड़ रहा है और उनके मध्य मुकाबले ये टीम 7-2 रन ट्रैवल बैरेडी और ककराहटा टीम बिल्कुल तैयार है। ककराहटा टीम बिल्कुल तैयार है 7-2 रन ट्रैवल बैरेडी। आप बिल्कुल सीजन होके तैयार रहे, मजा आएगा अभी इसके बाद। हाजी मुताब मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में आपका वेलकम है। और ये मुकुल खूब जबरदस्त स्मैशिंग हो रही है दोनों तरफ से, बेहतरीन खेल और फिर लवली स्मैश भाई, एक नंबर क्या खूबसूरत खेल दिखा रहा है, क्या खूबसूरत दिखा रहे हैं खेल। और तमाम लोगों से कहा गया कि रंग हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक हार करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। और मरतबा फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे अवे कर बैठे और 6-7-5 का स्कोर। तो मैं और ये टीम ऑफिसर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि आप वक्त दे रहे हैं यहाँ पे। और इस बार 2 नंबर गलती की है, पहले ही नेट को सलाम कर बैठे थे उनका हाथ और सोनू सिंह ने कहा हाँ हाँ ये गलती थी, अच्छे प्लेयर की यही पहचान तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट कर। पहले मुकुल भी मुस्कुरा दिए कि बड़ी तेज आता है आसिफ भाई की, बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और ये तेज निशान, लेकिन क्या डिपेंड हुआ है जिस मालिकी के, क्या लाजवाब दोस्त, ऐसे खेल अक्सर नहीं देखने को मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं दोस्त, बेहतर नहीं मिलते हैं ऐसे खेल, बेहतरीन डिफेंड, बेहतरीन स्मैशिंग सब कुछ हो रहा। और फिर ये शहजाद जमाली टच आउट करने में कामयाब, कहा जाम से जाम टकरा के मारा है, बेहतरीन अंदाज में अपने खेल को दिखा रहे हैं। अब इस खेल को देखकर बहुत ही खूबसूरती के साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा, हर कोई जुड़ना चाह रहा है इस मुकाबले को देखने के लिए। 6 और 7 का स्कोर है, मुकुल कैसा ड्रॉप, लेकिन सही पूरी कोशिश की, अब हर संभव प्रयास, तरकश की हर तीर को आजमाना चाह रहे हैं, तरकश की हर तीर को आजमाना चाह रही है दोनों टीमें। अब 7 और 6 का स्कोर, 7 और 6, ये पतंगे ये कीड़े आ रहे हैं, कुछ डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं। एक मतलब फिर मोहसिन आए और किसी तरह से वहां पे खेला संभाल लिया गया। और ये मुकुल आज मुकुल बहुत कुछ करते नजर आ रहा है अपनी टीम के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं, 3 नंबर हल्का से काम किया, शादी ने संभाल लिया और फिर सही डाला, बहुत ही प्यारा इसमें 6-7 का, बहुत ही अच्छे दाम में सही डाला अपने गेम शो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बस फर्क इतना है, वहां चिराग यहाँ बिल जलाए जाते हैं और फिर से संभाला शहजाद, लेकिन इस बार तो लगभग और एक बैठे 7-6 का स्कोर, बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ।